मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनित आवाज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के संसद मार्ग पर और जंतर मंतर पर। यहाँ पर लगातार जो जिस तरीके से धरना प्रदर्शन होता रहता है, तो आपको पता ही होगा जिस तरीके की घटना जालौर में घटी है, जो मासूम जातिवादों के जो चलते हुए अपने मृत हो चुका है, जो अब उसके लिए जहाँ पर लगातार धरना प्रदर्शन हो रहा है। मैम, कहाँ से आए आप लोग? सबसे पहले ये बताएं। मेरा नाम रोहिणी राज है, मैं मिशन जय भीम की दिल्ली प्रदेश सचिव हूँ। तो मैम, ये जिस तरीके से हुआ है जालौर में, ये घटना घटी है, ये एक घटना नहीं है राजस्थान की, लगातार इस तरीके की घटना हो रही है जातिवाद को लेकर। लगातार इस तरीके से हमारे समाज के लोगों को इस तरीके की जो है शिकार बनना पड़ता है, क्यों? देखिए, ये जो जातिवाद का जहर है, ये सो कॉल्ड स्वर्ण क्लास जो है उनके दिमाग से जा नहीं रहा। ये नफरत है, ये नफरत है, जो कि आप देखिए कि एक छोटे से 8 साल के बच्चे को सिर्फ पानी पीने के जुल्म में जान किसे मार दिया गया। कितनी नफरत, कितना वैशीपन होगा उस इंसान के अंदर, उसे इंसान भी नहीं कहा जा सकता, उस जानवर में जिसने उस बच्चे को मौत की भेंट चढ़ा दिया। ये जातिवाद का जहर पूरी तरीके से इन लोगों की रगों में फैल चुका है। और ये जातिवाद, मैं आपको कहूँगी कि ये किसी एक पर्टिकुलर हम जाति को नहीं कह सकते। ये जो वाद जहाँ आ जाता है ना, ये बहुत भयंकर है। जहाँ वाद लग गया, जातिवाद, पूंजीवाद, इस तरह ये देश को बर्बाद करते हैं। तो ये वाद कब हटेगा मैम? ये तो देखिए, इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। इनिशिएटिव हम सबको, जब तक हम जातियों में बटे रहेंगे, इसका एक रीज़न ये भी है कि हमारा जो दलित समाज है वो अलग अलग जातियों में बटा हुआ है। बहुजन समाज अलग जाति, कोई अपने आप को पिछड़ा वर्ग कहता है, कोई अपने आप को अल्पसंख्यक कहता है, कोई अपने आप को जो दलित हैं वो इसमें वाल्मीकि हैं, खटीक हैं, जाटव हैं, कोली हैं, अलग अलग जाति में, और सब अपना अपना गुणगान अपनी अपनी जाति हुआ करते हैं। अरे आप जो भी हो, वो तो आपको गुलाम समझते हैं, अछूत समझते हैं। सबका दर्द तो एक ही है, हमारे बच्चों को मारा जा रहा है। तो इससे लड़ने के लिए पहले तो एक होना पड़ेगा। जितना भी बहुजन समाज है उसको एक होना पड़ेगा, जातियों को छोड़ना पड़ेगा। तो ये एक कैसे होंगे, क्योंकि आप में ही इतना बिखराव है कि लगातार इस तरीके की घटना बिखराव से होती है। कहते हैं संगठित और शिक्षित बनो, संगठित आप लोग है ही नहीं। एक ना होने का कारण सबसे बड़ा ये है कि जातियों में हमें कौन बांटता है? हिंदू धर्म, कोई अगर पगड़ी लगाकर बैठा हुआ है तो उससे उसकी जाति नहीं पूछी जाती। कोई मौलाना अपनी टोपी पहन के बैठा है, उससे भी जाति नहीं पूछी जाती। हिंदू में ही जाति पूछी जाती है, क्योंकि हिंदू धर्म ने ही जातियों को बांट रखा है। तो इससे अलग होने का एक सबसे अलग उपाय, जो मिशन जय भीम, जिसका प्रचार भी कर रहा है, अभी 5 अक्टूबर को भी हम लोग 10,000 लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिला रहे हैं। बौद्ध धर्म ही इसका एक विकल्प है, जो बाबा साहब देकर गए थे। बाबा साहब ने कहा था कि हमारे लोगों को अगर इस जातिवादी गंदगी से बाहर आना है तो हिंदू धर्म को छोड़ना पड़ेगा और बौद्ध धर्म को अपनाना पड़ेगा। और बौद्ध धर्म को अपनाने की भी बात नहीं हो रही, यहाँ पर धर्म परिवर्तन की भी बात नहीं है। ये तो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, जो हम लोग पहले कहीं भी खुदाई होती है, बौद्ध स्तूप निकलते हैं वहाँ, उनके निशान निकलते हैं बुद्धिज्म के। तो इसका मतलब हमारा देश पहले बुद्धिज्म में था शुरू से लेकर, और जब तक ये आर्यंस नहीं आए। तो भगवान को पूजा जाता है, कांवड़ यात्रा निकालने में सबसे आगे बहुजन समाज रहता है। तो वही मैं कह रही हूँ, जब तक वो इस भेद को नहीं समझेगा कि जो लाठी हमारा सर फोड़ रही है, हमारे बच्चों का कत्ल कर रही है, हम उसी को तेल पिला रहे हैं, हम उसी धर्म को मजबूत कर रहे हैं जो हमें अछूत कहता है, जो हमें एक इंसान होने तक का दर्जा नहीं देता है, उस धर्म को हम पोषित कर रहे हैं, उनके हम कांवड़ यात्रा निकाल रहे हैं, उनकी हम गणेश चतुर्थी निकाल रहे हैं, ये क्या है? हमारे लोगों को शिक्षित कर एक साइंटिफिक अप्रोच उनके दिमाग में लानी पड़ेगी। सही क्या, धर्म क्या कहता है? धर्म कहता है अंधविश्वास करो, प्रश्न मत करो। और विज्ञान क्या कहता है? हर चीज के ऊपर तर्क करो। तो अपने लोगों को तर्क करना सिखाना पड़ेगा हमें, एक तो ये है। दूसरा, इस बच्चे की जो हत्या की गई है, मैं ये कहूँगी कि ये छोटा सा मासूम, इसकी सिर्फ हत्या नहीं हुई है, ये जातिवादी देश के सबसे बड़े दुश्मन से लड़ता हुआ शहीद हुआ है।
तो ये इसे एक शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, इसके हत्यारों के साथ वैसा ही बर्ताव होना चाहिए जो एक देशद्रोही के साथ होता है, ना कि सिर्फ एक हत्यारे की वाली सजा नहीं, एक देशद्रोही की तरह उसे फांसी की सजा देनी चाहिए, क्योंकि जो लोग जातिवाद करते हैं वो देश के सबसे बड़े दुश्मन है। बॉर्डर पे नहीं बैठा है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन देश के अंदर है, जो देश की। क्या नाम है आपका? मैम निशा। तो कहाँ से आए आप? मैम के साथ है। ये इंद्र मेघवाल को शहीद का दर्जा दिलाने की बात कर रही है, तो क्या सही है? सही है मैम, शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। हाँ जी, मिलना चाहिए। हाँ होना चाहिए, उसको तो पास ही होना चाहिए। किसने हत्या की है? हाँ जी, फांसी मांगती हैं। हाँ, फांसी मांगती हूँ। छोटा सा बच्चा ही, वो क्या जानता है कि जाति धर्म क्या है, उसको बच्चा था। मगर कहा जा रहा है कि भाई उसके कान में जो प्रॉब्लम थी बहुत टाइम से थी, वो कान की प्रॉब्लम से बहुत ग्रसित था, इसलिए उसकी जो है मौके पे डेथ हो गई। मारने से नहीं थे उसको, मारे थे, जान से मारे थे उसको। आग पौड़ी हुई है, वो मेडिकल, मतलब कि शर्म नहीं आती जो लोग ऐसे कहते हैं, उन्हें थोड़ी सी शर्म नहीं आ रही, उस बच्चे की हालत नजर नहीं आ रही, कान के दर्द से। बच्चों में लड़ाई हुई थी, दो बच्चों में लड़ाई हुई थी, तो है टीचर ने दो थप्पड़ लगा दिया। बयान दिया है मरने से पहले, उस बच्चे ने बयान दिया है, टीचर का नाम लिया है कि उसने मुझे मारा, उसके सामने और टीचरों के नाम लिए, उसने इनकार कर दिया। जिस टीचर ने उसकी हत्या की उस टीचर के नाम पे उसने बोला सबके सामने, अपने परिवार के सामने, डॉक्टरों के सामने कि हाँ उसने मुझे मारा। ये बयान तो कहीं पे भी नहीं दिखाया जा रहा। आप ये देखिए ना कि प्रशासन करता क्या है, प्रशासन में तो भी नहीं दिखा रहे हैं, मीडिया क्या कहाँ से दिखाएगी? मीडिया तो इन्हीं की चाटुकार हो गई है, इनके जूते चाट रही है प्रशासन के और शासन के, तो कहाँ से दिखाएंगे? मीडिया में कहाँ दिखाया जाता है? अभी क्या कहते हैं, एक फरीदाबाद में बच्ची का बलात्कार हो गया, कल जयपुर में एक दलित महिला को जला के मार दिया गया, कहाँ है इसमें? वहाँ पर तो चर्चा होती है हिंदू मुसलमान पर, राम मंदिर पर, और इन पर ना महंगाई की चर्चा, ना बेरोजगारी की चर्चा, और ना ही जातिवाद की चर्चा। सर वहाँ बहुत बताया गया कि वहाँ पर मटकी ही नहीं थी, सोचिए मटकी कांड हुआ है, मटकी नहीं है। नहीं, ये तो मैम बहुत गलत बताया जा रहा है। ये मैं तो कहना चाहता हूँ, एक मटके की क्या वैल्यू होती है? एक मटका जो है 60 से 70 रुपए का हम खरीद सकते हैं। उसने टीचर ने उस मटके के लिए उस बच्चे को बहुत ही बुरी तरीके से मारा है, जो आज। अच्छा, मटके के लिए मारा है या छुआछूत की वजह से मारा है? वो उस मटके में से बच्चे ने पानी ले लिया था, उस पानी की वजह से मारा है। पानी की वजह से मारा, खाली पानी की वजह से, या जातिवाद था वहाँ? नहीं मैम, कोई जातिवाद नहीं था वहाँ पे, कोई जातिवाद नहीं था वहाँ। जातिवाद की वजह से मारा। देखिए आप ही के यहाँ पे लोग मौजूद हैं तो बोल रहे जातिवाद नहीं था। कहाँ से आए आप? मैं तो दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से आए, आपको पूरी घटना मालूम है? मैम घटना क्या, मेरा तो कहने का मतलब यही है, जो बच्चे के साथ। नाम क्या है आपका? साहिल नाम है मेरा। साहिल, आपको ये घटना पता है पूरी, क्या हुई है बच्चे के साथ, क्या घटा है? घटना तो हुई है, जो भी है मटके पे हुई है, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ। मटका, मटका एक समस्या बन सकता है किसी की, पता नहीं है कि वो हुआ क्या है। मैडम मेरा बता दीजिए कि मुझे नहीं पता है किसी, देखिए यहाँ पर 60 रुपए का मटका था या 60 करोड़ का था, वो नहीं है भाई साहब। यहाँ पर एक एक मतलब जो छुआछूत की जो बीमारी इन लोगों के खून की जगह, ये जो जहर इन लोगों के रगों में घूम रहा है, वो इनसे बाहर नहीं हो पा रहा है। इतनी नफरत कि 8 साल के बच्चे पर, मासूम पे चिल्लाते हुए, उस वहशी को दया भी नहीं आई, क्या उसके घर में बच्चे नहीं होंगे, उसको अपने बच्चों का चेहरा याद नहीं आया उसे मारते हुए, कितनी नफरत है। मारा तो मैडम टीचर ने, ये तो मैं भी इसी बात को कह रहा हूँ। आप कह रहे हैं जातिवाद नहीं है, राजस्थान में घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता, मूछ रखने पर मार दिया जाता है, आप कह रहे हैं जातिवाद नहीं है। मैडम मेरा कहने का मतलब ये है, एक्चुअली क्या है, के नीचे बम लगा देते हैंगे। अगर जातिवाद नहीं होता इस पानी को लेके, तो वो बच्चा मरता नहीं, उसे हल्का सा एक दो थप्पड़ मार के भी हटाया जा सकता था कि चल बेटे, लेकिन जातिवाद है, जहर बन के सबके लोगों के पूरे नस में ये दौड़ रहा है। इसको सिर्फ एक ही इसके कारण यही है कि छोटे कास्ट के लोग तरक्की और उन्नति कर रहे हैं, जिससे कि ये समाज, जो हिंदू समाज है, स्वर्णवाद समाज है, उनसे ये देखा नहीं जा रहा है कि छोटे कास्ट के लोग क्यों आगे तरक्की कर रहे हैं, ये सक्सेस हो रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं, ये उनसे देखा नहीं जा रहा है कि कैसे कामयाब हो रहे हैं, हमारे बराबर आने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। सवर्णों का सपना टूटता हुआ नजर आ रहा है कि आप लोग तरक्की कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो नहीं चाहते, गले में मटकी और झाड़ू नहीं है, इसीलिए मटकी और झाड़ू
के साथ साथ वो तो बहुत पुरानी बात है। सबसे बड़ी बात हम कंधे से कंधा मिला के कर किसी का कभी भी किसी भी अत्याचार को सहन नहीं कर पा रहे, उसके विरुद्ध खड़े हो जा रहे हैं, लोग भी हमारा साथ दे रहे हैं, ये उनसे देखा नहीं करा जा रहा है। एक बात ये है, बस इसका एक और यही मेन कारण है, अगर सारी जातियों के लोग जो एससी ओबीसी कास्ट के लोग हैं अगर वो सारे इकट्ठे हो जाए, एकजुट हो जाए, एक हम समुद्र का रूप ले ले, किसी की मजाल नहीं है कि हमें एससी ओबीसी के कोई आंख भी उठा के हमें देख सके। ठीक है, तो अभी हाँ सर, हाँ क्या कहना चाह रहे हैं, आपको तो मालूम ही नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो बच्चे के साथ जो हत्या हुई है इसका इंसाफ के लिए हम सारी आवाम यहाँ पे इकट्ठी हुई हुई है, सब अपने अपने काम छोड़ के आए हुए हैं। हमें तो जातिवाद ही नहीं है। मैडम मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। मैं कहा है आपने, मेरे कैमरा में रिकॉर्ड। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो हत्या जिसने भी की है, टीचर ने की है या फिलहाल किसी ने भी की है, उसको फांसी देनी चाहिए। हमें इंसाफ चाहिए, हम इंसाफ के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और एकजुट हुए हैं। हम कोई कहीं से, कोई यूपी से, कोई कहीं से आया हुआ है, सिर्फ लड़ाई सर, कहां से आया आप? मैम मैं मदनगीर अंबेडकर नगर से आया हूं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप कुमार है। ये बादशाह कह रहे हैं कि मटकी की वजह से हुआ है, पानी पी लिया है वहां तो मटकी ही गायब कर दी गई। जातिवाद की वजह से हुआ मैडम, ये जातिवाद की वजह से हुआ है। पानी के लिए लोग प्याऊ लगाते हैं, पानी पिलाते हैं, पानी मांग के पी लो, कोई मना नहीं करता। पानी का बहुत बड़ा धर्म होता है पानी पिलाना। पानी के लिए जगह प्याऊ लगाते हैं, बहुत अच्छा वो करते हैं, लोग पानी के वो लगाते हैं। लेकिन वहाँ एक टंकी दिखा दी गई है जिसमें नल लगा हुआ है, और ये भी बताया जा रहा है कि जो टीचर हैं, सभी टीचर हैं, अध्यापक हैं और बच्चे उसी टंकी से पानी पीते हैं, जबकि राजस्थान में इतनी डिग्री टेम्परेचर जो है गर्मी रहती है, राजस्थान है, तो वहाँ पे इसी टंकी से उबलते हुए धूप का पानी टीचर भी पीते होंगे, ऐसा बताया जा रहा है। बिल्कुल पीते होंगे मैम, एक ही टंकी से सारे पी रहे हैं, पीने वाले पी रहे हैं, पीने वाले पी रहे हैं। दिखाया जा रहा है ये तो बचाने की कोशिश करेंगे ना, प्रशासन तो उसको बचाने की कोशिश करेगा। अब दिखाएंगे कि कोई मटका नहीं था, वो नहीं था, लेकिन वो तो शुरू में सबसे पता चल ही गया ना कि मटके को हाथ लगाने के जुर्म में ही उस बच्चे को मार दिया गया कि एक अछूत हो गया, तूने हमारे घड़े को कैसे छुआ। क्या जितने भी स्कूल वहाँ बने हुए हैं वहाँ पर उन अध्यापकों के, जितने भी ऊंची जाति के अध्यापक हैं, उनके अलग अलग मटके वाकई में रखे हुए होते हैं? में रखे हुए हैं, वहाँ पर आप जाकर देखिए कितना जाति है। मूछ रखने पर हमारे युवाओं की हत्या कर दी जाती है, चारपाई पे नहीं बैठना दिया जाता, हमारी महिलाएं जरा सा अगर पढ़ने के लिए बाहर निकले तो उनकी आंखों में ऐसे खटकती है कि उनको बलात्कार कर दिया जाता है, उनको मार दिया जाता है। ये मतलब उनके अंदर इस तरीके का नफरत है कि समाज कैसे आगे बढ़ रहा है, कैसे ये इनके बच्चे स्कूल में पढ़ने आ रहे हैं, और स्कूल में पढ़ने आ गए तो हमारे बच्चों के साथ कैसे बैठ रहे हैं। संविधान के कारण रोक तो सकते नहीं है, तो वो जहर इस तरीके बाहर निकल। चलिए अभी आपने देखा किस तरीके से लगातार जातिवाद का जहर फैलते हुए उसी के घाट चढ़ गया एक मासूम। सोचिए 8 साल का बच्चा क्या ही जानता होगा कि उसने उस मटके से पानी पिया, सिर्फ उसका कसूर ये था, सिर्फ उसका कसूर ये था कि अध्यापक के जो मटका रखा हुआ था अलग, उसको छू लिया, उससे पानी पी लिया। सोचिए पानी पीने का क्या ही धर्म होता है, मगर इस पर एक टीचर हत्या कर देती है एक मासूम की। सोचिए कितना जातिवाद का जहर है, और मोदी सरकार लगातार आज़ादी के 75 साल मना रही है, तो आप खुद ही सोचिए कि इस 75 साल जो आज़ादी के मनाए जा रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, क्या वाकई में देश आज़ाद हुआ है। इसी के साथ देखते रहिए जनहित आवाज़, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा, दिल्ली जंतर मंतर।